अपील करता हूँ अक्सर और आज भी कर रहा हूँ उलमा से, वाइजीन से, दानश्वरों से, कलमकारों से कि लोगों को एहतियाती तदाबीर भी बताएं और उम्मीद भी दिलाएं। जो मौत का खौफ तारी होता जा रहा है, इस खौफ से लोगों को निकालें, उम्मीद की किरण रोशन करें, उम्मीद की, और इनके दिलों के अंदर दलेरी पैदा करें। मेरे पीरो मुर्शद, मेरे हजरत साहब हुजूर ताज शरिया मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में दाखिल थे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। तो जो लोग आईसीयू वार्ड में कभी गए हैं वो देखते हैं कि पूरे जिस्म को तारे लगा देते हैं, यहाँ भी कोई चीज़ लगाई है, यहाँ भी लगाई है, पूरा वजूद बांध दिया जाता है पूरी तरह। एक बच्चा था दिल्ली का, लेकिन अमेरिका नेशनल था, तो वो भी वहाँ था और मायूस हो गया था ज़िंदगी से। नौजवान था पर मायूस हो गया। मरता वो है जो दिल छोड़ जाता है किसी भी बीमारी में, इसी बीमारी में नहीं, किसी भी बीमारी में जो लोग अंदर से हार गए वो गए। वो नौजवान कहते हैं कि बिल्कुल मैं हार गया था। तो हजरत भी वहाँ दाखिल थे, नमाज का वक्त हुआ तो फरमाने लगे ये उतारो सारा कुछ और मैंने नमाज पढ़नी है। उन्होंने कहा हजरत जी आपकी तबीयत, फरमाने लगे मेरा वजूद मुझे महसूस करा रहा है कि तेरे अंदर ताकत है, खड़े होके पढ़। मैंने अपने रब करीम को सजदा करना है, मैं खड़े होके नमाज पढ़ूंगा। मेरे शेख कामिल हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उठ के नमाज की नियत बांधी ना, तो वो नौजवान कहता है कि वो बुजुर्ग ज़ईफ आदमी जिन्हें दो लोग पकड़ के लाए और आईसीयू वार्ड में दाखिल है और चेहरा बता रहा है कि बड़ी तबीयत अलील है, जब उन्होंने अल्लाह अकबर कह के खड़े होके नियत बांधी, फिर रुकू किया, सजदे में गए, तो नौजवान अपनी अम्मा से कहने लगा मुझे भी उठा के बिठाओ। माँ ने उठा के बिठाया तो कहने लगा मैंने उस जगह का बोसा लेना है जहाँ बाबा जी ने सजदा किया है। मुसलमान था, कहने लगा मजा नहीं आ गया यार, इस हालत में इतनी उम्मीद, इस हालत में उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। लोगों में उम्मीद की शम्मा रोशन करें, लोगों को ये बतलाएं कि आप कोई लावारिस है, आपका रब भी है, आपके रसूल भी हैं, आपको संभालने वाला मालिक मौजूद है। आप हर एहतियाती तदबीर बताएं पर खौफ तो ना दिलाए। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान कहता है कि हुजूर ताजु शरिया तो चंद दिनों के बाद हॉस्पिटल से चले गए, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर जो हाई होता था वो नॉर्मल हुआ और तबीयत जो टेंशन में थी वो सुकून में आई। तो हजरत के जाने के अगले दिन अल्लाह ने मुझे भी शिफा अता फरमा दी। आपका अमल, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू मौला कायनात शेर खुदा अलीगुल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अनु के पास एक शख्स बड़ी परेशानी के आलम में आया, बड़ी परेशानी, कहने लगा हुजूर बताएं मुकद्दर क्या है, तकदीर क्या है। आप फरमाने लगे ये रास्ता ना जरा अंधेरा है, कहीं गुम ना हो जाना। कहने लगा नहीं नहीं हुजूर बतलाएं मुकद्दर क्या है। फरमाया दरिया गहरा है, कहीं डूब ना जाना। हिकमत वाली बातें हैं ना मौला अली। कहने लगा नहीं हुजूर बतलाएं मुकद्दर क्या है। तो आप फरमाने लगे अच्छा मैं तुझसे पूछ के ही तुझे समझाता हूँ, ये बता कि अल्लाह ने तुझे तेरी मर्जी से पैदा किया था कि अपनी मर्जी से। कहने लगा हुजूर नहीं, उसने अपनी मर्जी से पैदा किया था। तो फरमाया मारेगा भी तेरी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से ही मारेगा, इसलिए कि उसने ना तुझे पूछ के पैदा किया ना तुझे पूछ के मारेगा, और जिंदगी में जो तुझे मिलेगा वो रब करीम की मर्जी से ही मिलेगा। तो इसलिए मेरे अजीज याद रखें, उम्मीद दिलाएं लोगों को, ये वक्त है कौम के अंदर उम्मीद पैदा करने का, शऊर बेदार करने का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे को कयामत में हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ, फरिश्ते इसको घसीट के ले जा रहे हैं, फरिश्ते घसीटते हैं दोजख की तरफ, तो मुड़ के फिर पीछे देखता है, फरिश्ते फिर घसीटते हैं फिर पीछे देखता है, फिर घसीटते हैं फिर पीछे देखता है, दोजख का दरवाजा आ गया तो फिर पीछे देख रहे। अल्लाह ने फरमाया वापस लाओ, फरिश्ते वापस लाए तो रब करीम ने पूछा तुम मुड़ मुड़ के क्या देखता है, अल्लाह को पता है कि नहीं। लोग कहते हैं जी पता था तो पूछा क्यों, अल्लाह को तो पता है ना क्यों, क्या देख रहा था। तो अर्ज करता है अल्लाह मेरी जिंदगी के अंदर कभी उम्मीद नहीं टूटी, मेरा दिल कहता था मेरा रब बड़ा ही करीम है, मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है, अता करने वाला है। ऐ अल्लाह जब फरिश्ते घसीटते थे ना तो शैतान मुझे वसवसा देता था अब तू जहन्नम में जाए ही जाए, लेकिन फिर मेरी उम्मीद होती थी और नहीं तेरा रब बड़ा करीम, तो मैं मुड़ के फिर पीछे देखता था, फिर ये मुझे घसीटते थे तो फिर वो मुझे वसवसा देता था अब तो दोजख में जाए जाए, तो फिर मेरे अंदर से आवाज़ आती थी नहीं तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लाह दोजख का दरवाज़ा आ गया पर मेरी उम्मीद नहीं टूटी,
तो रब करीम फरिश्तों से फरमाते हैं इसे जन्नत में भेज दो, अल्लाह तेरे ही फैसले हैं पर पहले दोजख। तो रब करीम फरमाया तुम्हारे ऊपर साबित करना चाहता था, तुम्हें बताना था कि जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे जहन्नम नहीं दी जाती, मैं उसे जन्नत अता किया करता। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगद है तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता है मेरा। तो उम्मीद के दामन को थामे, शौक मोहब्बत और हर बीमारी में यही हाल है। ये शुगर वाला अगर दिल पे लगा ले कि हाय शुगर हो गई तो फिर गया। कैंसर के मरीज जब वो दवाई उनको लगाई जाती है तो बाल झड़ जाते हैं और हालत बदल जाती है, रंग काला हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को जिंदा दिल देखा है जो कहते हैं यार रब की मर्जी है फिर क्या है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक भी हो जाते हैं। जिंदगी तो जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं।